पार्टी के लिए समझिए कि खुशखबरी वाली बात थी कि हिना शहाब और उसामा शहाब की मुलाकात हुई और आपके भी गार्जियन हैं लालू यादव, पिता हैं, स्वाभाविक हैं, पार्टी को संभाल रहे हैं और उन लोगों ने भी इस नेता के प्रति आस्था रखी, तो मुलाकात हुई तो इस दौरान क्या बात हुई इसको लोग जानना चाह रहे थे कि भाई मोटी मोटी कुछ बातें तो होती जो पार्टी बताती है, तेजस्वी जी बताते कि भाई उन लोगों ने कुछ शिकायतें की या कोई डिफरेंसेस नहीं है, सब ठीक है, कहीं कोई हम लोगों में वो नहीं रहा जी। और हमको लगता है कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, उसामा चुनाव लड़ेंगे ऐसी इच्छा जताई उन्होंने। अब वो तो उनको लड़ता नहीं, आप बड़े भाई की भूमिका में है, पारिवारिक रिश्ता है, वो समय है, समय जब आएगा जी तो सब पता चल जाएगा, है ना। अभी हम कौन होते हैं क्या कहने वाले, टिकट तो राष्ट्राध्यक्ष देते हैं, है ना, हमारा तो कोई अधिकार है नहीं। लेकिन नौजवानों को तो भाई राजनीति में आना ना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग हो या डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हम लोग में ये अब कोई शिकायत सब नॉर्मल है, तरह तरह के लोग, बहुत सारा अपने फायदे के लिए लोग इधर से उधर हाव 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 करता था जी, वो सब कोई मामला ही नहीं रहा। तो हमको लगता है कि देखिए हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, जुड़ने वाले लोग हैं, हम लोग जुड़ने में विश्वास करते हैं, ना कि तोड़ने में। अच्छा, मुसलमानों की आबादी के अनुसार उनके लिए सियासी हिस्सेदारी की बात हमेशा से होती रही है, आपकी पार्टी कहती है आपके, अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए। नहीं, आपके पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय यादव जी, उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में सबसे ज्यादा एमएलए और एमएलसी हमारे पास है, हमारी पार्टी ने दिया है जब हम सत्ता में नहीं है तब। तो क्या जो विधानसभा का चुनाव होगा तो जिस तरह की वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई तेजस्वी से ही मांग सकते हैं, किस और से क्या मांगने जाएंगे, तो आबादी के अनुसार उनको हिस्सेदारी बोले ही है, रिप्रेजेंटेशन के मामले में उसी हिसाब से मिलना चाहिए जिस हिसाब से आबादी है जी, है ना, उस हिसाब से अति पिछड़े हो या दलित हो या माइनॉरिटी हो या पिछड़े हो, तो उस हिसाब से लोगों को टिकट देना चाहिए। अच्छा, कुछ मिलना भी चाहिए जी, कोई एहसान तो करिएगा, वो तो उनका अधिकार भी बनता है। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं मौजूदा राजनीति में इस तरह की बात की, भाई नहीं नहीं जो सच्चाई है वो एहसान कीजिएगा, क्या देखे तो एहसान तो है नहीं, तो अधिकार है ना भाई जी। तो अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, ये बात देखे हम लोग सबको साथ लेके चला सकते। लेकिन हाँ एक बात ये भी है कि और लोगों को कैसे जोड़े वो भी तो काम करना है जी। तो अगर इस काम में सब लोग लगे जी, जो लोग भी इच्छुक हैं, जो लोग आना चाहते हैं, तो सबको जोड़ के आए ना, क्या दिक्कत है।